चंदौली यूपी टैलेंट ने अंतर जनपदीय महिला T20 क्रिकेट का खिताब जीता। महिला क्रिकेट संघ चंदौली के बैनर तले और मनीषा स्टील फर्नीचर के सहयोग से आयोजित अंतर जनपदीय महिला T20 क्रिकेट का फाइनल मुकाबला आज BP स्कूल दुरहीपुर में यूपी टैलेंट ने पूर्वांचल स्पोर्ट्स चंदौली को उतार चढ़ाव के दौरान संघर्षपूर्ण मैच में 12 रनों से हरा के जीत लिया। टॉस जीतकर पहले खेलते हुए यूपी टैलेंट की टीम ने 15 ओवरों में 115 रन 7 विकेट पे बनाए, जिसमें काजल ने 41 रन में 7 शानदार बाउंड्री लगाए, जबकि निक्की ने 30 रन में 3 बाउंड्री लगाए। पूर्वांचल स्पोर्ट्स की तरफ से पहला मैच खेल रही खुशबू यादव ने 3 ओवरों में 19 रन दे के 2 विकेट लिया। सलोनी और कुसुम ने एक एक विकेट लिया। जवाब में पूर्वांचल स्पोर्ट्स की महिला क्रिकेट टीम तमाम कोशिशों के बाद भी पूरे ओवर खेल के सिर्फ 7 विकेट में 103 रन ही बना पाए। टीम की तरफ से वन डाउन बल्लेबाज कुसुम यादव ने नाबाद 37 रन में 4 बाउंड्री लगाए, जबकि प्रिया मौर्या ने तेज 39 रन में 3 बाउंड्री और 1 सिक्स लगाए और दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 65 रन की अहम साझेदारी हुई। यूपी टैलेंट की तरफ से ममता ने 3 विकेट लिया और निक्की ने अपने 2 ओवरों में सिर्फ 10 रन दे के 2 विकेट ले लिया। जी अपना परिचय दीजिए। मैं मोहम्मद दानिश, ग्राम सभा मलोखा क्षेत्र पंचायत सदस्य, नियंताबाद ब्लॉक का BDC हूँ और मलोखर मेरा मकान है। आज दुलहीपुर BP स्कूल ग्राउंड में मनीषा स्टील फर्नीचर T20 महिला क्रिकेट क्लब का उद्घाटन था, जिसमें सौजब भाई की तरफ से मैं आमंत्रित किया गया था। मैच में उद्घाटन के समय आने में थोड़ा लेट हुआ, मैं उसके लिए खिलाड़ियों से क्षमा चाहता था और यूपी क्लब और पूर्वांचल क्लब के बीच मैच खेला गया। इसमें पूर्वांचल क्लब की टीमों ने 16 रन से मैच जीत हासिल की और मैं तमाम खिलाड़ियों को बधाई देना चाहता हूं कि इस भीषण गर्मी में जो जेंट्स लोग हैं वो क्रिकेट या कोई भी गेम खेलने से दूर भाग रहे हैं। लोग एक साइड में कहीं कोने अतड़े बैठ कर अपना मोबाइल चलाने का प्रयोग करते हैं, लेकिन मैं इन लड़कियों के हिम्मत पर दाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने इतनी भयंकर गर्मी के मौसम में भी अपने घर से निकलकर कई जिलों से लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं अपनी तरफ से सहानुभूति के रूप में दोनों टीमों को पुरस्कार भी दिया और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अंकिता सिंह है, फ्रॉम बनारस। आज यहाँ दुलहीपुर में आप यहाँ पर आई हैं, क्या कारण है उसका? सर हम लोग मैचेस के लिए आए थे, देन हम लोग विनर भी हो गए। तो क्या उसमें क्या मिला, जो है जीत मिली आपको? यस सर, विजेता हुई हैं आप जो है। तो आप ये बताइए कि मैच कितने समय से आप खेल रही हैं इसमें? सर मैं 3 सालों से खेल रही हूं। 3 साल से? कुछ पढ़ाई लिखाई भी करती हैं आप? यस सर, मेरा पेरिंग चल रहा है ग्रेजुएशन। कौन सा क्लास है? सर BA कंप्लीट हो गया। BA का विषय क्या क्या रहे हैं आपके? सर इंग्लिश एंड सोशल है। हाँ अच्छा, आगे चल करके जो है क्या करना है? मैच मैच में ही जाना है या कोई किसी दूसरे जगह फील्ड में जाना है? उसमें जाना है। आज जो टीम जो जीती है उसको और जो टीम हारी है क्या संदेश देना चाहेंगी? सर मैं अपनी कमियों को दूर करना चाहूँगी, इम्प्रूव करना चाहूँगी। और जो टीम हारी है उसको क्या संदेश देना चाहेंगी? सर जीत कर भी, सर हार कर भी लोग जीत जाते हैं। हाँ। जो हार गई सर मैं कहूँगी आगे भी आप प्रैक्टिस करते रहें और जीतते रहें। और मुझे यहाँ पे सौजब सर ने एज अम्पायर ऑफिशियल इन्वाइट किया था उन्होंने मुझे, और इस ग्राउंड से मेरा बहुत पुराना नाता है। अक्सर मैं मैच जब भी बॉयज़ या गर्ल्स के मैच होते हैं तो मुझे इन्वाइट करते हैं वो। और मैं बता दूँ मैं ऑफिशियल UPCA का अम्पायर हूँ मैं, और यहाँ का गर्ल्स का यूपी टैलेंट और पूर्वांचल का मैच हुआ। यूपी टैलेंट ने मैच को यहाँ पे काफ़ी शानदार तरीके से जीत हासिल की और मेरा बहुत गर्ल्स आर फीलिंग वेरी हैप्पी और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद।